केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं ना केमिकल रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन क्या होता है तो वेयर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन वेयर एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ऐसा जहां पे मॉलिक्यूल क्या कर रहा है अपना एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और नया बॉन्ड बना रहा है उसको मैं क्या नाम देता हूँ यस केमिकल रिएक्शन से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस प्रोड्यूसर्स हाइड्रोजन क्लोराइड तो इधर क्या देखने को मिल रहा है देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन यस हेलो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ HCl एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बराबर मतलब पहला इसके साथ था अभी किसी और के साथ है हाइड्रोजन ना यस और नो यस सर बराबर तो ये क्या हो गया केमिकल रिएक्शन आया समझ में ठीक है ना केमिकल रिएक्शन में जो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है ना दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंसिंग डोंट राइट एनीथिंग कॉन्सेप्ट हियर नोट्स में दिया हुआ है ठीक है कुछ दिखना नहीं है ज्यादा बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे आपको एक छोटे लेवल पे बैलेंसिंग करना आता है ना नॉर्मली आप क्या करते हो कि अभी जैसे मान लो बैलेंसिंग में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्री तो आप बैलेंसिंग क्या बोलते हो कि यह कार्बन आइटम नंबर वन यर ऑल्सो कार्बन आइटम नंबर वन वो ट्रेडिशनल मैथड एकदम कार्बन वन ऑक्सीजन टू एग्री ठीक है सपोज कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप क्या बोलेंगे इधर कार्बन कितना है वन हियर आल्सो वन हियर ऑक्सीजन इज टू हियर ऑक्सीजन इज वन आया ना तो मतलब यहाँ पे भी टू करना पड़ेगा तो उसके लिए शुड बी मल्टीप्लाइड बाय फिर आप बोलोगे कि ये भी टू हो गया तो इसके लिए शुड बी मल्टीप्लाइड बाय कैन आई गो फॉर दिस कार्बन रिएक्ट विद हाफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं ये कर सकते हैं समझे क्या हुआ सर हाफ चलता है क्या दौड़ता है चलने का तो दूर का बात है दौड़ता है बराबर और ये जो नंबर होंगे ना ये नंबर्स को बोलेंगे कोएफिशिएंट्स क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट्स इनका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप उसको सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं खाली सोचियो मत मेट्री मत बोलना आया समझ में सो दीज कोएफिशिएंट्स आर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर तो रेशियो क्या होगा उन कोएफिशिएंट का कुछ नंबर नहीं लिखा मतलब इट इज 1 हियर इट इज 0.5 हियर इट इज 1 तो रेशियो में ऐसा बोल सकता हूं 1.51 यस और नो यस बराबर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 सर ये हाफ ना पसंद नहीं आ रहा है होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा बोल 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2CO एग्री विद दिस क्या बोलते सही है फाइंड आउट द रेशियो क्या आ जाएगा बोलो 2 1 2 नहीं समझा क्लियर हो रहा है बात अभी मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूं बैलेंसिंग बराबर बैलेंसिंग ऐसे करते हैं थोड़ा थोड़ा आ रहा है यार जैसे मान लो ऐसा बोल दिया KClO3 ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन गिव्स KCl अलोंग विद ऑक्सीजन गैस KClO3 ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन गिव्स KCl अलोंग विद द ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन कितना है इधर ऑक्सीजन कितना है बराबर 2 को 3 करना है मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय यू टेल मी द नंबर 1.5 इनटू 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 हो गया बैलेंस आ रहा है कुछ समझ में ऐसे भी कर सकते हैं कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो गया बोलो 1 1 1.5 1 1 1.5 दैट इज कैन आई राइट इट लाइक दिस 1.5 को होल नंबर करना है होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा बोलो
2KClO3 गैस 2KCl प्लस 3 नहीं समझा वन मोर सपोज अगर ऐसा दिया है SO2 प्लस O2 गिव यू SO3 कम ऑन SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 क्या करना पड़ेगा बोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 प्लस 2 4 हियर इट इज 3 अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो डोंट यू थिंक द नंबर ऑफ सल्फर एटम गेट चेंज तो मैं ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर लूं किससे इसे मल्टीप्लाई करूं बोलो मल्टीप्लाई बाय 1/2 into 2 कितना हुआ 2 plus 1 3 what is the ratio 1 0.5 1 समझ रहे that is can I write it like this if you allow 2SO2 plus O2 gave तो दोनों चलता है आ रहा समझ में बात ठीक है balancing of combustion of hydrocarbon Combustion of hydrocarbon. ठीक है. What do you mean by hydrocarbon? Those compound which contain carbon and are called hydrocarbon. ऐसा compound ना जिसके पास carbon और hydrogen दोनों, उसे किस नाम से बुलाते हैं? बोलो बोलो. Carbon and hydrogen दोनों present है. क्या बुलाएंगे? Hydrocarbon. Now let us understand this. मैं बोलता हूँ formula CXHY. When it react with oxygen gas, X plus Y by 4. Direct shortcut दे रहा हूँ. Give you O2 gives you X times CO2 plus Y by 2 H2O. This is the balanced equation for the combustion of hydrocarbon. What do you mean by combustion? Combustion ka matlab hota hai reaction with oxygen gas. Excess of oxygen is used. Generally, excess mein rehta oxygen. Barabar, inki coefficient ka ratio kya bologe? Carbon, hydrocarbon ka kya ho gaya? 1. Oxygen ka kya ho gaya? X plus Y by 4 क्या बोलते हो हाँ या ना CO2 के लिए क्या हो गया X water के लिए क्या हो गया Y by 2 this is the ratio of coefficients समझा बराबर सर वो X और Y क्या है clear पता चल जाएगा X क्या होगा number of carbon Y क्या होगा बोलो number of समझ में आ रहा है बात ठीक है अगर मैं बोलता हूँ say for example X का value मान लिया मैंने 2 और Y का value मान लिया 6 मैं कंसीडर कर रहा हूँ एग्जांपल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल C2H6 बैलेंस करके देखो जरा क्या हो जाएगा बोलो C2H6 प्लस X कितना हो गया 2 Y कितना हो गया 2 प्लस 6 बाय 4 6 बाय 4 इज 3 बाय 2 3 बाय 2 क्या है 1.5 2 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 3.5 O2 गिव यू X टाइम्स CO2 प्लस Y बाय 2 H2 X क्या है 2 CO2 plus Y क्या है Y by 6 by 2 3 this is the answer yes or no नहीं समझा clear हो रहा है बात ethane plus 3.5 O2 समझा कैसे आया direct balance कर देगा ये reaction चलो एक और example लेता हूँ suppose C6H6 benzene ring X का number बोलो 6 Y का number बोलो 6 start 6 plus 6 what is 6 by 4 3 by 2 1.5 6 plus 1.5 7.5 answer kya aayega 7.5 O2 gives 6 CO2 plus 3 H2 aaya samajh mein maan lo to ek tumhare liye le liya C2H4 aur C2H2 theek hai aise na balancing of compound containing carbon, hydrogen and oxygen. ऐसा compound जिसमें तीनों present हो, carbon भी है, hydrogen भी और oxygen भी. Formula क्या बन जाएगा? CXHYOZ. क्या है formula? CXHYOZ plus X plus Y by 4 minus Z by 2. ध्यान देना. X plus Y by 4 minus O2 gives you X times CO2 plus Y by 2 H2O आ जाएगा समझ में ग्लूकोज लेके सॉल्व करके बताओ जरा ग्लूकोज लेके सॉल्व करके बताओ C6H12O6 व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्लूकोज C6H12O6 सॉल्व करके बताओ क्या हो जाएगा 6 plus 12 by 4
माइनस सिक्स बाय टू, सिक्स प्लस ट्वेल्व बाय फोर, ट्वेल्व बाय फोर मतलब क्या हो गया थ्री, माइनस सिक्स बाय टू कितना हो गया थ्री, सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री कितना हो गया सिक्स हो गया, सिक्स ओ टू गिव्स यू सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ क्योंकि वाई का नंबर ट्वेल्व है ना, आया समझ। तो ये दो एक इम्पोर्टेंट है जो यूज होते रहते हैं बैलेंसिंग के लिए, बराबर। बैलेंसिंग में क्लियर है एकदम बातें, ठीक है ना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो टॉपिक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बट वो क्वेश्चन बनेगा आपने को, ठीक है। तो ये समझो कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं रिएक्शन ऐसे लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस गिव्स यू अमोनिया। मैंने सबसे पहले क्या किया बोलो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बनाया मैंने, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये सब फॉर्म आपको वर्ड में दिया रहेगा, वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू गिव यू अमोनिया। तो सबसे पहला क्या करो, क्या बना लो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड स्टेप, इमीडिएट बैलेंसर। आज के बाद ना ये स्टेप्स ही चाहिए रहेंगे मुझे। पहला क्या करने का, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मैं आपको बोलता हूं कि पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला फॉर पोटेशियम क्लोराइड इज KCl होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, चलो इजी बोलता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट दैट यू नो, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसका अनबैलेंस इक्वेशन बना लोगे फटाक से, क्या लिखोगे बोलो, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। अब बोलता हूं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन गिव्स KCl अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन गैस। उसका इक्वेशन बनाओ फटाफट, कम ऑन, KClO3 गिव्स KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, बराबर, KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, आया समझ में। दिस इज योर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बिना सोचे समझे इमीडिएट बैलेंस। कम ऑन स्टार्ट विद द बैलेंसिंग, ये कितना है थ्री, ये कितना है टू, जा जा थ्री वहां वहां टू, जा जा टू वहां वहां थ्री, तीन दोन जा सा, दोन तीन जा सा, वो ना बैलेंस। बट नाइट्रोजन बैलेंस, बराबर, अनबैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इट, बैलेंस इट, देन 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 सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। क्या सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, ये सब एग्जांपल्स में यूज होंगे इसलिए मैं एक साथ अलग अलग बता रहा हूँ। कम ऑन रेशियो बता दो मुझे जरा, सर इसका रेशियो तो ऐसा लग रहा है 1:3:2। अब इस रेशियो के मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, अगर ये आगे की 5 मिनट मेरी बातें समझ में आ गई ना तो पूरा चैप्टर आ गया आगे का, ठीक है, वरना फिर ऐसे ही देखेंगे तुम कभी मुझे कभी आसपास जिसको देखते हैं। अब क्या क्लियर, क्या बोल दूं तुमको मैं, वीडियो भी चल रहा है वरना बोल भी दे, रीड करवाना पड़ेगा इतना पार्ट भी क्लिप का। 1:3:2 इज द रेशियो, 1:3:2 इज द रेशियो, बराबर। ये रेशियो का मीनिंग क्या है मैं वो बोलना चाहता हूँ, ये रेशियो मुझे समझाता क्या है, ठीक है, पहले इंग्लिश में बोलता बाद में लिख के देता हूँ। इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। नहीं समझा, इसका मतलब ये 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 मोल मॉलिक्यूल्स 3 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल 1Na, 2 मोल 2Na, 3 मोल 3Na। नहीं समझा, इसका मतलब ये है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। वो होगा ही, वो लिखा ही रहेगा। नहीं समझा, इसका मतलब ये है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्या बोलते हो, हाँ यार, नहीं समझा कुछ तो बोलो, क्या ये सर गलत है, ये क्या पढ़ा तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, मास बिफोर रिएक्शन शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन, कौन से एंगल से इक्वल है,
कुछ भी हाँ नहीं बोलने का भाई, कल से फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ फिर भाई, और पैसा ही पैसा। हाँ बचा कुछ, फिर मैथ भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, जब सब में हाई बोलना है तो खुद का दिमाग लगाओ। मोल समझ रहा था, मॉलिक्यूल समझ, मास कैसे हो सकता है? क्या मोल जिसका जितना रहेगा उसे अकॉर्डिंगली मास मिलता है? अलग होता है ना, तो हाँ क्या बोलते हो? जेई में सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, दिमाग भी चाहिए भाई। क्या हुआ श्रेयस, क्या बोल रहे? कुछ तो बोला, आवाज आया मेरे, बोल। नहीं समझा, ध्यान दे, ध्यान दे भाई, ये सब नहीं चाहिए। मास हो ही नहीं सकता, तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास तुरंत सोचना चाहिए ना, 1 ग्राम 3 ग्राम या 4 ग्राम होना चाहिए कम से कम, वरना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन तुमको हाथ उठा के तुरंत बोलना चाहिए था तो सर इसमें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास वैलिड ही नहीं हुआ। तुम्हें मानता, तुम्हारा दिमाग चल रहा है मस्त, यू गॉट माय पॉइंट, सोचने का बराबर। इतना भाषण, इतना सब कुछ क्यों बताया? बच्चा बार बार ये गलती करता है, वो मास ही अप्लाई कर देता है, मास इसमें पॉसिबल नहीं, इसके बाद भी अगर तुम अप्लाई करेंगे तो तुम्हारी गलती है। ये कोएफिशिएंट मास नहीं बताता है, दिस कोएफिशिएंट गिव्स यू आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मास से कोई रिलेशन नहीं है, लिख के भी दिया ये लाइन नोट्स में, वरना प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि वो मोल भी चलता है, मॉलिक्यूल भी चलता है, वॉल्यूम भी चलता है, मास बच्चों खुद से ही मान लेता है, मतलब सब जगह लग रहा है ना, मास में भी होगा शायद, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम। मैं तीनों एक्सप्लेन कर सकता हूं कि तीनों रिलेट होते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस है बराबर 3 मोल और ये 2 मोल ना, 1 मोल किसी भी गैस का होगा तो उसके मॉलिक्यूल एने होंगे बराबर, 3 मोल गैस के मॉलिक्यूल 3 एने होंगे और 2 मोल गैस के मॉलिक्यूल 2 एने होंगे, अगेन द रेशियो इज 1:3:2। नहीं समझा, ये बात क्लियर हुई? से समथिंग यस सर? नाउ लिसन, अब मैं वॉल्यूम के लिए प्रूफ करता हूँ। वॉल्यूम के लिए मैं बोलता हूँ कि ये 1 मोल है ना, एसटीपी कंडीशन मान लो ना मेरे लिए, मान लो एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड डैश वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर 3 × 22.4 लीटर, डू यू एग्री विद दिस? व्हाट इज द रेशियो? 1:3 बराबर। अब चलो मास भी मान लिया तुम्हारे लिए, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है? 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? 6 ग्राम। 2 मोल अमोनिया गैस का मास कितना होता है? 34। अरे 17 होता है ना ये, 17 × 2 = 34। व्हाट इज द रेशियो? 1:3:2। व्हाट इज द रेशियो? सर ये रेशियो तो कुछ अलग ही है, तो कोएफिशिएंट मास नहीं बता। नहीं समझा, क्या इधर लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड? यस, उधर कहां वैलिड था? So that ratio can be considered as mole, can be considered as molecule, can be considered as volume. अरे भाई इससे ज्यादा क्या प्रूफ करके दूंगा, तो प्रूफ कर दिया ना। नहीं समझ रहे हैं? Say something, yes or no? Yes. मेरा पढ़ाना नहीं पढ़ाना फर्क नहीं पड़ता एंट्रेंस के लिए, तुम क्या सोचते हो ना, कैसे पढ़ते हो वो मैटर करता है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ मालूम है? मुझे जो पता बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, पेपर तुमको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं आएगा, तुम्हारा खुद का दिमाग चाहिए, समझा? और उसके लिए ऐसे नहीं कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा हुए रहने चाहिए, मेहनत करने का और जो बताया ना उसके ऊपर सोचने का, रिलेट करने का पॉइंट्स को, एक बार रिलेट करना आ गया ना पॉइंट्स को, इजीली सॉल्व होगा सर, समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? ठीक है, ये समझा मैंने मास के लिए बोला। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मास कंपेयर नहीं करना है। मास कैसे होगा? मोल से मास निकालोगे, रेशियो को मास में नहीं ले सकते। दिस रेशियो कैन बी कंसीडर्ड एज मोल, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ गैस, यू कांट कंसीडर इट एज मास। रिमेंबर दैट, बराबर। मास मानना होगा तो ऐसे मानना पड़ेगा, आप इसको ऐसा नहीं मान सकते 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम, नो रॉन्ग। हाँ ना, नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। If 1 mole of nitrogen gas react with 3 mole of hydrogen gas to give 2 mole of ammonia, बराबर,
मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नाइट्रोजन गैस के मोल को 2 मोल कर रहा हूँ. कितने मोल मुझे चाहिए? 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस विल गिव यू डैश मोल ऑफ अमोनिया. समझा कैसे? बोलो हाँ या ना. यूनिटरी मेथड ना. अगर 1 मोल नाइट्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है तो 2 मोल कितना देगा? 3 मोल कितना देगा? 4 मोल कितना देगा? 5 मोल कितना देगा? नहीं समझा. क्लियर हो रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन बी कंसीडर्ड एज मोल मॉलिक्यूल और हाँ आया समझ में बात. उनको ऐसा माना जा सकता है. ये पॉइंट क्लियर हुआ? आया ना एवरीवन? ठीक है. समझा नहीं समझा मेरा बात? देख तो अनबैलेंस इक्वेशन लिखने का, बैलेंस करने का, कोएफिशिएंट का रेशियो देखने का बराबर. और कोएफिशिएंट के रेशियो को देखने के बाद बराबर यू कैन गो फॉर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोल. मतलब आप मोल बोल सकते हो उससे, उससे मॉलिक्यूल बोल सकते हो, उससे वॉल्यूम ऑफ गैस बोल सकते हो बराबर. आप उसे कुछ भी मान सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन में देखने का कि क्या दिया हुआ है, उसे क्या चाहिए बराबर. तो अभी के लिए 3 स्टेप दिमाग में रखेंगे. राइट द अनबैलेंस इक्वेशन, सेकेंड बैलेंस इट, और थर्ड सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर. मोल माना जा सकता है यस. मॉलिक्यूल चलेगा यस. वॉल्यूम ऑफ गैस चलेगा यस. डायरेक्टली मास चलेगा क्या? नो. यू व्हाट माय पॉइंट? समझा मेरा बात? ठीक है. अगर मैंने मेरा 10 मिनट इसके ऊपर वेस्ट किया है तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. आगे ऐसा मत करना सीधा सीधा लिख दिया तुमने 1 ग्राम नाइट्रो, उसने पूछा 100 ग्राम के लिए कितना, तो तुमने बोला 1 ग्राम के लिए 2 ग्राम अमोनिया, तो 100 ग्राम के लिए 200 ग्राम अमोनिया. गलत हो गया. समझा मेरा बात? ठीक है. स्टोइकोमेट्री, सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री, सोचियो मत मेट्री बराबर. हाँ इसमें रहेंगे आधे लोग जो सोचियो मत हो जाएंगे, वो कुछ नहीं सोच पाएंगे. एकदम क्लियर है. पहले तो ना अंदर से कॉन्फिडेंस बना के रखने का. ठीक है. ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो एक बार बताओ तो नहीं आए, तो उसके लिए दूसरी बार पूछने का. फिर मेरे को क्लासरूम में शर्म आता है तो पर्सनल बाद में फिर पूछ लेने का. इधर भी लिखा तो उधर बोल देना मेरे को ये बता दो, समझा दो. आया समझ में? ठीक है. ये मेरा मानना है कि एक बार में सबको समझ जाए जरूरी नहीं है, इससे हम एग्जांपल्स करते हैं, मैं रिपीट भी कर देता हूँ. समझा मेरा बात? ठीक है. अरे वो वैष्णव भी नहीं है यार, क्यों? बहुत छुट्टी करती है. पहला स्टेप तो यही कि भाई रोज आने का, छुट्टी करके कैसा है? कभी कभी लगता है वीडियो बना के गलती करते हैं. जब मर्जी तब छुट्टी ले लो, वीडियो में देख लेंगे. अगले बार से किसी वीडियो में आधा बंद ही कर दूंगा बीच में. देखो इसका मीनिंग क्या है. ये वर्ड का मीनिंग है कैलकुलेशन. बस इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन. इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है बराबर. ये क्या बताता है, क्या समझाता है? इट इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन रिएक्शन. किसी भी गिवन रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, इसके बारे में जो डिस्कशन है वो कौन बताता है? स्टोइकोमेट्री बराबर. वो कौन बताएगा? स्टोइकोमेट्री. इसके अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन बराबर. तो उसमें आई एम स्टार्टिंग विद द टाइप 1 कैलकुलेशन. टाइप 1 कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, ओनली ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन. ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन. अगर अब आपको समझ में आएगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा. अभी तक तो अपन ऐसे ही पढ़ रहे थे, समझ रहे थे. ठीक है. ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन. इसमें एक ही रिएक्टेंट का क्वेश्चन होगा बराबर. एक रिएक्टेंट का क्वेश्चन है. ठीक है. ये वर्ड मैं मार्क कर देता हूँ, ओनली 1 रिएक्टेंट. और ये टाइप वाइज दूंगा मैं, स्टोइकोमेट्री प्रॉब्लम का टाइप नंबर 1, ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन. पूरे क्वेश्चन में वो एक ही रिएक्टेंट देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो पूछेगा. ठीक है.
और ये वन रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है ना, ये तीन टाइप से पूछा जा सकता है बराबर। एक होता है मास मास कैलकुलेशन बराबर, और यू से मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरे वाले को बोलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरे वाले को बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। मैं कभी एक आखिरी बार कुछ पूछना चाहता हूं। 3 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया? 2 mole. 30 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया? 300 mole विल गिव यू 200. 3000 mole विल गिव यू 2000. 30,000 mole विल गिव यू 20,000. 15,000 विल गिव यू 10,000 ना, नहीं जो भी रहेगा कैलकुलेट कर लिया ना, आ जाएगा ऐसे। तो इसके लिए कुछ अलग नहीं बताऊं मैं, आप रिलेट कर पाओगे ना पक्का, चलो मालूम पड़ जाएगा। एक रिएक्टेंट में ना तीन टाइप का रिलेशनशिप बोल रहे हैं लोग, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम। क्लियर? आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मास मास रिलेशनशिप, जिसका मतलब क्या है मालूम है, जिसका मीनिंग ऐसा है, मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मास ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड द मास ऑफ अदर इज आस्क्ड। एक का दिया हुआ है और दूसरे का पूछा, तो इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। नहीं समझा? मास ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन एंड मास ऑफ अदर इज आस्क्ड, एक का दिया है दूसरे का पूछ रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप का नाम क्या देने का? हाँ, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। इसके क्वेश्चन में जब क्वेश्चन दिखेगा ना, तो पहला काम क्या करने का, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन, दूसरा काम क्या करने का, बैलेंस, तीसरा कोएफिशिएंट को देखने का बराबर, और उनका उनको मोल्स की फॉर्म में बोलने का, कौन सी फॉर्म में, देन कन्वर्ट दोस मोल्स इनटू मास, क्योंकि मास मास का रिलेशनशिप है ना। क्वेश्चन देखो अभी एग्जाम्पल, 200 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन डीकंपोजिशन गिव्स 5 mole कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड, फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 200 ग्राम CaCO3 बराबर। तो आपको इक्वेशन क्या बनाना है, आप इक्वेशन ऐसे स्टार्ट करोगे, बोलो CaCO3 ऑन थर्मल डीकंपोजिशन गिव यू व्हाट, CaO प्लस CO2, सही है इतना? हाँ ना बोल दो, अनबैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ बैलेंस इट, कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 3 2 1 3, कार्बन 1, आई थिंक बैलेंस भी है। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट रेशियो 1 1 1, कोएफिशिएंट का रेशियो बोलो क्या है, सही है? अरे से समथिंग है सर, ये हो जाएगा। अच्छा उसने किसके किसके बारे में पूछा है, ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर, समझ रहा मीनिंग, ओनली वन रिएक्टेंट इज देयर। उसने CaCO3 से किसके बारे में पूछा है, CO2 के बारे में। इसमें CO का सिर्फ एक ही रोल था बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग के बाद उसका जरूरत नहीं है मुझे। नाउ इट इज लाइक कड़ी पत्ता, यू नो कड़ी पत्ता, करी लीव्स, कोई हिंदी में नहीं मालूम रहेगा किसी को बताना पड़ता है, तो खाना बनाने के टाइम ना सबसे पहले डालते हैं। हाँ यार, जैसे खाना बन के तैयार होकर किसी के सामने आता है ना, उसको सबसे पहले निकाल देते हैं। हाँ यार, वैसा ये भी है, बैलेंसिंग में सबसे पहले यूज किया ना उसको, बैलेंसिंग का था भगा देने का। हाँ यार, कुछ लोग तो किसी किसी की लाइफ में भी कड़ी पत्ता हो जब तो उनकी जरूरत तो साथ में रहती है, बाद में मालूम है वैसा निकाल दिया जाते हैं, समझ रहे ना तुम। कुछ भी बनो लाइफ में कड़ी पत्ता मत बनना कभी, पूरा सेल्फ क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना, ऐसा नहीं कि तुम किसी का कंधा बन रहे हो। चलो ये समझा, ये चला गया, आया ना CaCO3 गिव CO CO2 CaCO3 क्या दे रहे बोलो CO2, मुझे CO की जरूरत है क्या, नहीं। व्हाट इज द रेशियो,
What is the ratio? 1:1. इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ दिस विल प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ दिस, 200 ग्राम ऑफ दिस विल प्रोड्यूस 200. क्या खा के आते सुबह सुबह कि रात का कुछ खाया रहता है उसका असर रहता है. मास कैसे तुम मान रहे हो बार बार. वापस आओ. 1 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 1 मोल ऑफ समझा. मोल तो मान सकते हैं. क्या आपको मोल पता है तो मास निकाल सकते हो. हाँ समझ गया ना मेरा बात. 1 मोल ऑफ CaCO3 का मास कितना होता है मालूम है? 100 ग्राम. और 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम. अब मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ठीक है, जो सही लगे उसमें हाँ बोल लेना. 1 ग्राम ऑफ CaCO3 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 ग्राम ऑफ CaCO3 विल गिव 1 ग्राम ऑफ CO2. यस और नो? नो. पक्का? अगला स्टेटमेंट. 100 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन डीकंपोजिशन विल गिव 44 ग्राम ऑफ CO2. हाँ या ना? Yes. हो गया खत्म. अगर 100 ग्राम 44 देगा तो इतना तो दिमाग है मेरे पास. 200 ग्राम 88 ग्राम देगा. 88 ग्राम इज द आंसर. डन? नहीं समझा? समझा. क्लियर है बात? राइट ऑन द क्वेश्चन. मास मास के रिलेटेड एवरीथिंग इज गिवन इन नोट्स. चलो ठीक है लिख लो. हाँ जो भी है नोट भी लिख लो. वो दिया भी है मैंने. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर. देखो मैं बताता हूँ तुमको. उधर तो और भी स्टेप्स में दिए हैं. स्कूल की बैलेंसिंग भी दे दी है. और कोई भूल गया रहेगा तो ये देखो. सेम एग्जांपल इज गिवन ऑन पेज नंबर 32. इफ यू वांट यू कैन कम टू पेज नंबर 32. देखो मिला वो. देखो 132 कोएफिशिएंट का रेशियो मिला. नाइस इसला 22.4. वो देखो लीटर वगैरह सब करके दिया मिला. 1000 ml, 3000 ml, 2000 ml, 1 ml. आखिर में 28 + 6 ग्राम 34 ना. उसके नीचे एक लाइन है मार्केट हैज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ग्राम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री. वो रेशियो ग्राम का कभी नहीं हो सकता. फिर नीचे लिखा है देखो सिंगल रिएक्टेंट बेस मोर देन वन रिएक्टेंट बेस. ये तो मैं लिखना रहता है मुझे वही नहीं समझता. ये सब दिया रहता है. एग्जाम्पल की वही नहीं है. मुझे क्या पता तुम्हें जो. हाँ बिल्कुल. अगर उस एग्जांपल में दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हो कितने भी ज्यादा मिल रहे हो सब कड़ी पता है. हाँ ले लो. कौन सा? नहीं वो आपको ऐसा लग रहा था डीपीपी किया. वो मैं देखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 17 या 18 का बात कर रहे हैं ना डीपीपी नंबर 3 में. हाँ सल्फर रिएक्ट विद दस्ट टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड उससे बात कर रहे हैं ना. अब वो ऐसा लगता है वो है बट वो एक्चुअली ऐसा नहीं. ये अलग क्वेश्चन है. बोल हाँ भाई रुकना. कल से मैं यही करता हूँ. एसी बंद और चालू. एसी का रिमोट देना. दो मिनट बोलने नहीं देगा रोहित. एसी का रिमोट. एसी का रिमोट बंद कर दे. एसी लिखा जिसको जो लिखना था लिखा. तब ऐड द क्वेश्चन. यहाँ पे वैल्यूज में ना 200 ग्राम दिया है. उधर के वैल्यूज में 5 ग्राम दिया है. सिमिलर क्वेश्चन है CaCO3 के ऊपर ही बट 5 ग्राम पे पूछ रहा है. वैल्यू चेंज करके क्या फर्क पड़ जाए? 5 का नहीं बता पाओगे. 5 का बोलो आंसर. 5 का आंसर बोलो. बट इस बार आंसर तुम CO के लिए बोलो. मैं क्वेश्चन देता हूँ. चलो देखो. फाइंड आउट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन आफ्टर हिटिंग
आफ्टर हिटिंग 50 ग्राम CaCO3. कम ऑन. हेलो, सेम इक्वेशन है. आवाज आती है. सेकेंड इज मास. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. सेकेंड क्या है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. मास वॉल्यूम में क्या है? सीधा सीधा अपन बोलेंगे कि आइदर मास और वॉल्यूम और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज गिवन. किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम दिया है और दूसरे के बारे में मास या वॉल्यूम पूछा है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी ऑब्टेन आफ्टर हिटिंग 490 ग्राम ऑफ KClO3. बराबर. तो सबसे पहले इक्वेशन समझ में आ जाए. क्या इक्वेशन बन जाएगा बोलो? ये क्या हो गया? KClO3. KClO3 को जब मैं स्ट्रॉन्गली हीट करूंगा ना, KClO3, तो कन्वर्ट होगा इनटू KCl अलोंग विद द ऑक्सीजन गैस. राइट देन बैलेंस इक्वेशन हो गया. सेकंड स्टेप बैलेंस. बराबर. बैलेंसिंग में क्या है? ये 3 है, ये 2 है. बराबर. मल्टीप्लाई का 1.5 ले लूं, क्या फर्क पड़ता है? हो गया बैलेंस. इक्वेशन क्या बनेगा? सी द कोएफिशिएंट रेशियो 1:1:1.5. क्या बोल सकता हूं मैं? 1 मोल ऑफ KClO3 gives 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. व्हाट डू यू गाइस से? यस और नो? बोलो. 1 मोल ऑफ KClO3 ऑन डीकंपोजिशन गिव्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन. बराबर. अब यहां पे देखो और सोचो किसका मास दिया है, किसका वॉल्यूम दिया है. KClO3 का क्या दिया हुआ है? मास. वॉल्यूम किसका पूछा है? ऑक्सीजन. इसको मोल को कन्वर्ट करो इनटू
मास, इसके मोल को कन्वर्ट करो इनटू वॉल्यूम। नहीं समझा? यू टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ KCl O3। एक मोल KCl O3 का मास निकालेंगे ना 122.5 आता है, बराबर। यू टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। वन मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22 लीटर एट SCV। बराबर, तो 1.5 कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1.5 इनटू 22.4 लीटर, ये कितने के लिए है? 122.5। मुझे क्वेश्चन कितने के लिए पूछा है? 490 ग्राम, ये हो जाएगा x, बराबर। x सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। नहीं समझा? आया ना? राइट ऑन द क्वेश्चन। ये लिखना है तुमको, लिख लो। इसका ग्राम है, उसका ग्राम है, कैंसिल होगा, बचा क्या? वॉल्यूम का यूनिट लीटर। बोलो क्वेश्चन सर। एक चलो सर, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। हां, एक्स की वैल्यू कितना है? 122.5 है ना, वो उसका कितना टाइम ज्यादा हुआ? 6 कितना है? 6 into 22.4 4 टाइम ज्यादा है ना वो। समझे क्या बोला मैंने? 122.5 ग्राम है ना, और उधर 490 ग्राम है, ये इसका कितना टाइम ज्यादा हो गया? 4 टाइम ज्यादा होगा ना। 495 का हाफ क्या हुआ? 225 का हाफ क्या हुआ? 122.5। Find out the volume of carbon dioxide gas obtained carbon dioxide gas, sorry, volume of carbon dioxide gas obtained after heating 200 ग्राम ऑफ CaCO3 आफ्टर हीटिंग 200 ग्राम ऑफ CaCO3 आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ, CaCO3 है ना, ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, बराबर।
रेशियो देखो, वन वन वन, ये वन मोल है, इसका वन मोल है, हाँ या ना? CaCO3 का मास चाहिए 100 ग्राम है, इसका वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, वन मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ, हाँ तो इसका 22.4 लीटर हो जाएगा। ये 200 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए 22.4, तो 200 ग्राम के लिए कितना x, आंसर क्या आ गया 44.8 लीटर। आया समझ में? थर्ड रिलेशन, थर्ड वन देखो, तो थर्ड वन है वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्या बताओगे इसका मीनिंग क्या होगा बोलो? एक का वॉल्यूम दिया है, दूसरे के वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है, नहीं समझा? एक का वॉल्यूम दिया, दूसरे के वॉल्यूम के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है, राइट देयर। जैसे मान लो इक्वेशन ऐसा है, find out the volume of phosphorus vapors obtained, volume of phosphorus vapors obtained after hitting 100 ml of phosphorus vapors obtained after hitting 100 ml of phosphine gas, formula phosphine ka hota hai PS3, chalo dekho, this is the equation given to you, unbalanced equation maine bata diya tumko, barabar? ये फास्फोरस वेपर है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये फॉस्फिन गैस है, बैलेंस कर दो जरा, ये कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ले लो सीधा सीधा, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 6, ये होना चाहिए, क्या बोलते हो, हाँ या ना? बराबर, ये डीकम्पोजिशन है, क्या है उसका, डीकम्पोजिशन। अब रेशियो जरा चेक कर लो, 4 1 6, तो उस हिसाब से अगर 4 लीटर फॉस्फिन होगा that will produce 1 liter phosphorus vapor, आया ना? coefficient को volume मान सकते हैं ना? आपके पास कितना ml है? हाँ, तो चलो ml में मान लो कि अगर ये 4 ml है, तो it will produce 1 ml. unit दोनों same रहे, कुछ भी मान सकते हैं. तो अगर ये 100 ml है, तो it will produce 25 ml. हो गया answer. नहीं समझा? क्लियर है? आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है जाएगी, इतना ही, कितना टाइम है सर? 1 मिनट। ये क्या था, टाइप वन ना? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप टू, नोट्स में ना पेज नंबर
ओके नाउ एक्सक्लूसिव बुक्स एवरीवन, अब जो डिस्कशन है ना वो टाइप टू में अभी तक कितना रिएक्टेंट का बात करते थे अपन रिएक्शन में वन, अब जो है ना टू और मोर रिएक्टेंट बराबर टू और मोर रिएक्टेंट, इसमें भी ना दो टाइप में बात करेंगे ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखो टाइप टू में जो सब एक सब टाइप है ना वो कैसे मालूम है, टाइप टू टू और मोर रिएक्टेंट में इसमें जो भी गिवन मोल रेशियो होगा आपको, गिवन मोल रेशियो बराबर टाइप टू का जब भी क्वेश्चन आएगा ना टू और मोर रिएक्टेंट, तो पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई सब टाइप। आपको ये समझ गया कि हाँ ये दो रिएक्टेंट से ज्यादा वाला है ना, तो तुरंत क्या कर लेना आइडेंटिफाई सब टाइप कि ये सब टाइप ए है या सब टाइप बी। ए कैसे आइडेंटिफाई होगा, बी कैसे कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना है मालूम है, एक मोल रेशियो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मोल रेशियो, दैट गिवन मोल रेशियो इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल, इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, अगर वो मोल रेशियो जो दिया है आपको वो कोएफिशिएंट के रेशियो के एग्जैक्टली बराबर है तो मतलब ये सब टाइप ए है, क्या ये सब टाइप। और जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इसका मतलब है ऑल रिएक्टेंट्स गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लो अपनी क्लास में अभी टोटल देर आर 30 स्टूडेंट्स, कितने 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है बराबर, और क्लासेस ने ऐसा डिसाइड किया है कि पर स्टूडेंट विल गिव टू बुक्स, कितना टू, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बुक का रेशियो क्या आ गया 1:2 आया ना बराबर ठीक है। बुक मंगाया, अभी बुक कितना है मालूम है 60, कितना आया 60, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बराबर, ये रेशियो क्या है कोएफिशिएंट रेशियो मान लो, ये आपको मोल दे दिया, ये मोल का रेशियो क्या आएगा 30 और 60 का, और इसका भी रेशियो क्या है आया ना, इसका मतलब 30 स्टूडेंट को 60 बुक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाँ या ना, मान लो बुक आ गया 62, हाँ तो उस केस में पूरा बुक खत्म होने वाला, कुछ समझा आइडिया आ रहा है, अभी मालूम पड़ जाएगा। ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है, पहला चेक करने का गिवन मोल रेशियो शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू कोएफिशिएंट रेशियो, ये तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि ऑल रिएक्टेंट गेट कंज्यूम, यस लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल, एग्जांपल समझोगे तो हो जाएगा ठीक है। इनिशियली में डबल एल आता है ना बराबर ना, इनिशियली 5 मोल्स ऑफ ए एंड 10 moles of B is taken. Initially, 5 moles of A and 10 moles of B is taken. बराबर? 5 moles of A and 10 moles of B is taken. Find out number of moles of AB2 produced. Word form दे दिया. आपका काम क्या होगा? सबसे पहला मेक अनबैलेंस इक्वेशन स्टार्ट, ए रिएक्ट्स विद बी ऐसा लग रहा है क्या देने के लिए, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा ना ए प्लस बी गिव्स यू, हाँ वो लोग देते भी है कभी कभी ऐसे कुछ रहेगा।
अब इसमें बोलो ए प्लस बी क्या करना पड़ेगा, इमेज इट बैलेंस, बैलेंस करो, ए कितना है वन, हियर ऑल्सो वन, ये हियर इट इज, नहीं समझा, सो व्हाट इज द रेशियो, कोएफिशिएंट रेशियो बराबर, चलो आजा चेक करो, कोएफिशिएंट का रेशियो है 1:2, हाँ है ना। अब ऊपर मोल्स भी दिए हुए, देखो जरा ए का कितना मोल है, बी का कितना मोल है, बराबर मोल का रेशियो क्या बन रहा है 5 और 10 का, मतलब कोएफिशिएंट रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोल रेशियो, बराबर। तो ये सब टाइप क्या हुई, ए या बी, ए मतलब ऑल रिएक्टेंट गेट कंज्यूम आफ्टर रिएक्शन आफ्टर कंप्लीशन, ए और बी का अमाउंट कितना होगा, जीरो। नहीं समझा, क्लियर, अरे कुछ तो बोलो, हाँ यार अब सुनो, ये कर लिया ना तुमने, ये पता चल गया ना तुमको, अब मुझे बताओ इनका रेशियो क्या था, 1:1, मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, 1 mole of A will produce 2 mole of B will produce 1 mole of A react with how many mole of B, हाँ या ना। तो आपके पास A कितना है, B कितना है, तो इसका 5 mole, ये कितना बनाएगा 5, इसका 10 कितना बनाएगा 5, so you tell me the number of moles of AB to produce 5। नहीं समझा, क्लियर हो रहा है बात, अगर मान लो रेशियो ऐसा दिया रहता 5 और 20 तो क्या बोलते थे आप, सॉरी मोल ऐसा दिया है 5 mole और 20 mole, टेल मी द कोएफिशिएंट रेशियो रिएक्टेंट का, 1:2, मोल का रेशियो 1:4, क्या दोनों सेम आ रहा है, क्या रिएक्टेंट कंज्यूम होगा कंप्लीटली, नहीं समझा, क्लियर हो रहा है बात करना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये 5 है ये 20 है तो क्या आएगा रेशियो, ये 5 है ये 50 है रेशियो क्या आएगा, ये 5 है ये 500 है रेशियो क्या आएगा, ये 10 है ये 100 है रेशियो क्या आएगा, आया समझ में, क्या ये सारे रेशियो कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर हुए क्या, नहीं, तो सब टाइप ए में काउंट होने वाला, नहीं नहीं समझा मेरा बात, क्लियर हो पॉइंट, ठीक है, कॉपी, Thank you.
Then guys, question bolu. Likho. 56 gram nitrogen gas. 56 gram nitrogen gas. Reacts with. Reacts with 6 mole of hydrogen gas. Reacts with 6 mole of hydrogen gas. Find out number of moles of ammonia produced. Find out the number of moles of ammonia produced. देखो अनबैलेंस इक्वेशन बनाओ. सबसे पहला नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देगा? अमोनिया. बराबर. ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3. हाँ या ना? कोएफिशिएंट का रेशियो बताओ क्या आ गया रिएक्टेंट का? 1:3 ना रिएक्टेंट का. अब आपको मोल रेशियो कितना दिया वो देखो. पहला नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है आपको? 56 ग्राम. लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मोल्स कैसे निकालोगे बोलो? 56 अपॉन 28. नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14 इनटू 2. टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स. 2. यू टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. कितना दिया है? 6 दिया है ना. तो 2 और 6, व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द कोएफिशिएंट रेशियो? आया समझ में? मतलब ये कोई यहां पे क्या लिखूंगा मैं कि गिवन मोल रेशियो is exactly equal to coefficient ratio. हाँ या ना? बराबर. तो अब देखो क्या हो जाएगा फिर. N2 plus 3H2 gives 2NH3. मतलब 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen to give 2 mole of ammonia ना. आपके पास कितना mole nitrogen है? 2 mole. बराबर. तो that 2 mole will produce how many mole of ammonia? 4. हो गया answer. अब answer ना moles में भी लिखो, mass में भी लिखो, volume में भी लिखो. चलो बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना है? 4. मास कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 17 ग्राम. आया ना? वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 21. बराबर. मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू एनए. ज्यादा है वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना आपको. नहीं समझा? क्लियर हो रहा है बात?